बारिश के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये जनाब, ये भी पत्ती खा लेते हैं, और दूसरा ये जो ये चिपचिपे से कीड़े, ये शायद आपको दिख रहे हैं, और भी जो मिट्टी में फंगस लग जाती है उसका सबसे सटीक, सरल और घरेलू उपचार मैं बताऊंगी। तो फिर शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ विभा तिवारी लखनऊ से, मिहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये देखिए, बरसात के बाद कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स खिले हैं। पत्तियाँ देखें कितनी ग्रीन हो गई हैं, कितनी शाइनिंग हो गई हैं, हर जगह फ्लावर्स टिमटिमा रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। वह ये देखिए किसका साइज़ देखिए, और ज़रा पत्तियों में शाइनिंग देखिए, जैसे इसमें एप्सम साल्ट डाला गया है। और ये सब भी चीज़ बारिश का कमाल है। अरे रुकिए थोड़ा, बारिश सिर्फ यही नहीं लेके आता है, कुछ मेहमानों को भी अपने साथ लेके आता है। मेहमान मतलब कि आगे मैं आपको बताती हूँ कौन से मेहमान हैं जो गार्डन के लिए बहुत ही कष्टकारी हैं। ये देखिए ये जनाब हैं, ऐसे जब से बारिश हुई है तब से ये इस टाइप के, ये बहुत सारे ग्रास ऊपर तो इनको नहीं कहेंगे, ये ऐसे पत्तियां सारी खाने लगे हैं, ऐसे ही पत्तियों में होल पूरा कर देते हैं, पूरी बस जाल ही छोड़ते हैं और पूरा सब खा डालते हैं। इस टाइप के बहुत सारे हो गए हैं, इनको टिड्डा, शायद टिड्डा कहते हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे हो गए हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए, और देखिए अक्सर जब मौसम चेंज होता है तब मेरे गार्डन में ये बहुत, ये जो सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े जो मिली बग होते हैं ये, और इनके लिए, और जो मिट्टी में फंगस लग जाती है बरसात के कारण, इनके लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ। कीटनाशक है वो, और फर्टिलाइज़र भी है, और फंगस को भी किल करता है। तो ये है छाछ। छाछ के बारे में आपने तो सुना ही होगा। इन सिर्फ अगर आपके प्लांट में मरोड़ रोग लगा है और खट्टी छाछ का स्प्रे कर दें तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर इसमें कुछ और चीज़ें मिक्स कर ले जाएं, जैसे कि मैं जो बताने जा रही हूँ वो और भी अच्छा है, फर्टिलाइज़र की तरह वो काम करेगा। तो फिर इसको कैसे क्या यूज़ करना है, मेरे पास देखिए एक ग्लास छाछ है। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही यूज़ कर सकते हैं, खट्टा हो बहुत ही अच्छा है। अगर खट्टा नहीं है तो आप 2-3 दिन बाहर निकाल के रख दें, और उसमें पानी मिक्स करके अच्छे से उसको मथ दें, वो छाछ तैयार हो जाएगी, फिर उसी को यूज़ करना है। अब देखिए मैंने एक ग्लास छाछ लिया है, और फिर मैं ये दूसरी क्या चीज़ डालूँगी जिससे कि जो मिट्टी की फंगस है, मिट्टी में जो फंगस लग जाती है वो दूर होगी। ये तो पत्तों के लिए है, पत्तों पर जो कीड़े लगते हैं, जो भी जैसे लीफ कर्ल है और मिली बग है, उसके लिए है। अब मैं जो दूसरी चीज़ डालने जा रही हूँ वो जो मिट्टी में फंगस लग जाती है उसको किल करेगी। तो देखिए सबसे कॉमन चीज़ है जो किचन में सभी के यहाँ यूज़ होती है, हल्दी। आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है, और जो मैं आपको मेज़र कर रही हूँ, अगर कम ज़्यादा हो जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत अधिक मात्रा में कम ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर देखिए इसके बाद हम एक और चीज़ लेंगे जिसकी महक से ये जो ग्रास ऊपर आते हैं छोटे छोटे से, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी महक बहुत ही तेज होती है। उसका यूज़ आप फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं उसका इसमें डाल रही हूँ पेस्टिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड के रूप में, जो कीड़े वगैरह आ जाते हैं उनको भगाने के लिए। तो फिर ये देखिए क्या चीज़ है, वो है हींग। हींग के बारे में भी आपने सुना ही होगा, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक पैमाने पर खेतों में प्रयोग होता है। हम तो छोटी उसमें कर रहे हैं, गार्डन में यूज़ कर रहे हैं। इसमें देखिए कितना लेना है, आधी चम्मच हमने लिया है,
बस आधी चम्मच एक ग्लास दही के लिए काफ़ी है, मट्ठे के लिए काफ़ी है। और सिर्फ डायरेक्ट इसको हम ऐसे दही में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा देर में घुलता है, और डायरेक्ट डाल देंगे पता भी नहीं चलेगा कि घुली कि नहीं घुली। तो इसको हम अलग घोल के इसमें मिक्स करेंगे। तो देखिए हम अलग इसको घोल लेते हैं छोटे, उसमें ये इसमें हम पहले इसको घोल लेंगे और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अधिकतर बरसात में या जो जब सीज़न चेंज होता है तब अधिक देखने को मिलता है। तो आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं, और जब सीज़न चेंज हो तब भी ये प्रॉब्लम बहुत अधिक होता है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखेंगे कि अच्छे से ऐसे से, और फिर हम इसको लगभग आधा घंटा के लिए रख देंगे, जिससे ये तीनों चीज़ एक दूसरे में जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से। और फिर हम कैसे स्प्रे करेंगे, कैसे मिट्टी में डालेंगे वो हम बाद में बताएंगे। आधा घंटा हम इसको रख देंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है, और देखिए ये सब चीज़ नीचे बैठ गई है। अब हम देखें कैसे यूज़ करते हैं इसको, और देखिए ये बिल्कुल मट्ठा मेरा बिल्कुल बहुत ही पतला था, बिल्कुल पानी जैसा, और जो इसमें थिक चीज़ें थी वो सब नीचे बैठ गई थी। तो एक ग्लास और हम पानी डालेंगे, और ये दो ग्लास हो गया है। और देखिए ये एकदम पतला होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वैसा नहीं होना चाहिए, वरना मिट्टी में डालेंगे तो फंगस लगने का खतरा है। तो बिल्कुल बहुत ही महीन पानी होना चाहिए। और फिर इसको हम आधा मिट्टी में और आधा पत्तों पर स्प्रे करेंगे। तो ये देखिए ये मेरा 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, इसकी मिट्टी में हम थोड़ा सा डालेंगे। ये देखिए बैठे हुए हैं अभी भी। तो इस वाले पॉट में हम, और इसमें हम सिर्फ बहुत थोड़ा सा डालेंगे 12 इंच के पॉट में। और इसमें ये मेरा बड़ा है तो इसमें हम ज़्यादा डालेंगे। और फिर देखिए ये छोटा है पौधा तो इसमें बहुत थोड़ा सा, जिससे मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह लगी हो तो वो दूर हो जाए। तो हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे इसमें। और ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ये थोड़ी देर में अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर देखिए स्प्रे हम कैसे करते हैं इसका। और आप तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नॉलेज काम की हो लगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।